हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंसेप्टेनमेंट। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब मध्य अनुपाती, या थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती जिसको बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ अनुपाती, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे पूरा बेसिक तरीके से। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मीन प्रोपोर्शनल निकालना है हम लोगों को 9 और 16 का। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती बोलने का मतलब है कि मध्य में आना चाहिए, जैसे 9 और 16 हो गया, उसके बीच में आने वाली वो चीज होगी। मान लीजिए x है, मध्य अनुपात का मतलब होता है 9 और x का जो रेशियो बनेगा, x और 16 का सेम रेशियो बनेगा, उसको बोलते हैं मध्य अनुपाती। मतलब देख लीजिए, 9/x बराबर x/16, ये है मध्य अनुपाती x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 9 × 16, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस पर जाके रूट लग जाएगा, √9 × √16 बराबर 3 × 4 बराबर 12। 9 और 16 का मध्य अनुपाती 12 होता है। फॉर्मूला समझ गए, मध्य अनुपाती निकालना रहेगा, इतना कुछ आपको करना नहीं है, डायरेक्ट जो दो संख्या दिया है उन दोनों का रूट को गुणा कर दीजिए, क्लियर। थर्ड प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई दो संख्याएं दी हुई हैं 8 और 12, और बोलेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। इसका मतलब ये है कि 8 का 12 के साथ जो अनुपात है, 12 का x के साथ वही अनुपात होना चाहिए, उसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब 8/12 बराबर 12/x, ये होना चाहिए। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम x को अगर ऊपर ले जाएं, x बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 12/8, 12 × 12/8, आगे क्या हो जाएगा, 4 × 8, 4 × 12, 2 × 6 = 12, 6 × 3, 6 × 3 बराबर 18। तो 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीय अनुपाती हुआ 18। अब चलते हैं चतुर्थ अनुपाती, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। मान लीजिए तीन संख्याएं दी हुई हैं 6, 9, 12, और पूछ रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो यहां लास्ट में मान लीजिए एक से चतुर्थ अनुपात बोलने का मतलब हुआ कि 6 और 9 का जो अनुपात है पहली दो संख्याओं का, तीसरी और चौथी संख्याओं का अनुपात भी सेम होना चाहिए। मतलब 6/9 = 12/x, ये क्या हो जाएगा, x अगर ऊपर चला गया तो हो जाएगा 12×9/6, तो 6×12 = 9×18 होगा चतुर्थ अनुपात। 6, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपात होगा 18। तो आज बस कुछ बेसिक चीजें जाने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो पसंद आया तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस, जिनको कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।